Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ कि 90 to 280 वोल्ट के लिए जो आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते हैं स्टेबलाइजर के लिए, ए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के लिए, तो ये 500 वाट हो या 5000 वाट हो या 10000 वाट हो, ये लूप वोल्टेज सबका सेम होगा। जैसे आपका ए हो गया, ट्रांसफार्मर के लिए मैं बतला रहा हूँ, ये प्राइमरी हो गया, यहाँ से आप वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, इसको आप कॉमन मानते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्न है ये 130 वोल्ट के लिए आपको वाइंडिंग करना होगा, चाहे 500 वाट हो या 10 के भी हो, चाहे 5 के भी हो, उससे मतलब नहीं है। इसके बाद ये जो लूप है, ये लूप आपका 65 वोल्ट के लिए होगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो अगला लूप है वो 42 वोल्ट के लिए होगा, यानी ट्रांसफार्मर का आपका ऐसे लूप निकलेगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और ये जो बीच का कॉइल है 65 वोल्ट के लिए है, 42 वोल्ट के लिए वाइंडिंग करना होगा, और ये 43 वोल्ट के लिए वाइंडिंग करना होगा, और ये जो लास्ट है ये आपको 9 वोल्ट के लिए वाइंडिंग करना होगा। अब इसमें वायर गेज आपका अलग अलग होगा, वाटेज के हिसाब से आपको वायर गेज सेलेक्ट करना होगा और वो टर्न सेलेक्ट करना होगा, लेकिन हर का लूप वोल्टेज 90 to 280 वोल्ट का जो स्टेबलाइजर आप वाइंडिंग करेंगे उसके लिए लूप वोल्टेज यही होगा। कैसा वीडियो लगा इस पर ज़रूर आप कमेंट या लाइक करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह हर जानकारी के साथ आता रहूँगा। धन्यवाद।